तेलंगाना की इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूं। ये धरती अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष की गवाह रही है। हैदराबाद और तेलंगाना ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार पटेल के प्रयासों को मजबूती देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि अनेक वरिष्ठ महानुभाव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई जितेंद्र रेड्डी जी हो, विजय रामाराव जी हो, सुधाकर रेड्डी जी हो, ये सारे लोग और भी बड़े वरिष्ठ लोग जिन्होंने जब संयुक्त आंध्र था तब भी और तेलंगाना बना तब भी गांव गांव अपने अपनी पार्टी के लिए अपना जीवन खपाया हुआ ऐसे लोग हैं। कोई 30 साल, कोई 40 साल, ऐसा क्या हुआ कि ऐसे दल को उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं मैं हैरान हो जा रहा हूं। जब उस पार्टी के नेता राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो बातें बोले जो पाकिस्तान में पसंद आए और हिंदुस्तान के लोगों को चोट पहुंचाए, तब जाकर के ये सुधाकर रेड्डी जैसे लोग देश के स्वाभिमान के लिए दल छोड़ करके आज आपके बीच आए हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये मेंबरशिप से चलने वाली सिर्फ पार्टी ऐसा नहीं है। मेंबरशिप तो है लेकिन हमारे यहां आते ही रिलेशनशिप बन जाती है, खून का रिश्ता बन जाता है। साथियों, 11 अप्रैल को हैदराबाद के, तेलंगाना के आप सभी साथी नए भारत के नए सपनों के लिए आदेश देने वाले हैं। ये नया भारत उस मजबूत नींव पर बनने वाला है जिसका निर्माण करने का एक ईमानदार प्रयास आपके इस चौकीदार ने किया है। मैं आज हैदराबाद का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हैदराबाद ने 2013-14 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया, चुनाव के मैदान में उतारा और हैदराबाद के इसी स्टेडियम में आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान में इतनी चर्चा फैलाई थी और देश के वातावरण को तैयार करने की बहुत बड़ी भूमिका ये मेरे हैदराबाद ने निभाई थी। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान को राजनीतिक दिशा दिखाने का काम जिस हैदराबाद के जागरूक नागरिकों ने किया, उनके बीच जब मैं आया हूं तब मैं हमारे
तेलंगाना के सभी मतदाताओं को और हैदराबाद की इस धरती से हिंदुस्तान भर के मतदाताओं को पिछले 5 साल देश की भलाई के लिए जो कुछ करने में मैं सफल हुआ हूं वो सारा यश आज मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। मैं हैदराबाद की धरती से हैदराबाद के सिकंदराबाद के तेलंगाना के देश के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिए, उत्साह उमंग से मुझे भर दिया, नई ऊर्जा दी, नित्य प्रेरणा दी। उसके कारण मैं देश के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक काम कर पाया। इसका यश इसके हकदार हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हैदराबाद के नागरिक हैं, तेलंगाना के नागरिक हैं, मेरे देशवासी हैं। बीते 5 सालों में नामुमकिन अगर मुमकिन हो पाया है तो इसके पीछे आप सभी देशवासियों का, सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना के आप सबका साथ है। आप अगर मेरे साथ मजबूती से खड़े ना रहते तो राष्ट्रहित में बड़े और कड़े फैसले लेना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि आज आपके बीच अपने काम का हिसाब देने के साथ ही मैं आपका आभार जताने के लिए भी आया। साथियों, सिकंदराबाद, हैदराबाद की इस धरती से मैं मिडिल क्लास के उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे निरंतर आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया। ये मेरा दायित्व है कि आपके हितों का ध्यान में रखते हुए आपके सपनों का पूरा करने में इस दिशा में मैं एक के बाद एक सार्थक कदम उठाऊं। भाई और बहनों, मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई और महंगाई हर मोर्चे पर सरकार ने राहत देने का प्रयास किया है। एजुकेशन लोन हो या फिर होम लोन, ईएमआई कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले होम लोन से तो मध्यम वर्ग के परिवार को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। पहले की सरकारों में मध्यम वर्गीय परिवारों को अगर मकान बनाना हो तो योजना का नामो निशान नहीं था दोस्त, उनको परवाह ही नहीं थी। भाई और बहनों, महंगाई जरा याद कीजिए, 2013-14 में महंगाई की स्थिति क्या थी। उसको काबू करने में कांग्रेस पार्टी की एक भी सरकार कभी भी सफल नहीं हुई है। जब अटल जी की सरकार थी महंगाई को काबू करने में हम सफल हुए और उसके बाद दूसरा मुझे मौका मिला, हम महंगाई को काबू करने में सफल हुए। और अगर पहले वाली सरकार की तरह महंगाई बढ़ती होती, बिना रोक टोक बढ़ती होती, तो आज सामान्य परिवार के रसोई का बजट पूरे परिवार को तबाह कर देता,
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता यह स्थिति पैदा होती। बिजली का बिल हो, मोबाइल फोन का बिल हो, स्वास्थ्य से जुड़ा बिल हो, वो पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हाल में जो 5 लाख की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो करने का फैसला सरकार ने किया है, बजट की दृष्टि से आज 1 अप्रैल को नया बजटिंग वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, और इसी बजट में हमने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को जीरो कर दिया। जीरो कर दिया, इसका लाभ जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सीधा सीधा लाभ मिला है। करोड़ों की तादाद में देश के लोगों को लाभ मिला है। ये मांग पिछले 25 साल से हर सरकार के सामने आई है, लेकिन एक भी सरकार ने इसका निर्णय नहीं किया। यह आपके आशीर्वाद है कि मोदी सरकार ने उस काम को करके दिखाया है।